सिद्दीकी अकबर पहुंच चुके थे गार में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सल्ला है हुजूर अलैहि अली सलाम का चेहरा है सिद्दीक की आंखें हैं सिद्दीक अकबर की यही तमन्ना रह गई जिंदगी भर कोई पूछता था क्या पसंद है आप फरमाया करते थे बस ये पसंद है हुजूर का चेहरा हो सिद्दीक की आंख हो हुजूर का दीदार हो यही चीज आपको पसंद थी सिद्दीक अकबर रधी अल्लाह तला पहले गार में पहुंचे अर्ज करते हैं हुजूर पहले मैं जाता हूँ इसके बाद आप तशरीफ़ लाइएगा ताकि मैं देखूँ कोई मूजी चीज़ तो नहीं कोई तकलीफ़ दे चीज़ तो नहीं सफाई करूँ इसके बाद आप अंदर तशरीफ़ लाइएगा उलमा फरमाते हैं कि जिस तरह हुजूर पहले गार में नहीं गए बल्कि पहले सिद्दी के अकबर गए फिर इनके बाद हुजूर तशरीफ़ लाए फरमाया जो चाहता है कि उसके दिल में हजूर के जलवे आए और उसकी ये तमन्ना पूरी हो के दिल में है तस्वीर यार जब कभी गर्दन झुकाई देख ली तो फरमाया पहले वो सिद्दीक की मोहब्बत को अपने सीने की गार में दाखिल करे फिर हुजूर की मोहब्बत आएगी फरमाया यहां से पता लगता है कि जिस चीज के अंदर भी सिद्दीक अकबर की मोहब्बत नहीं होगी वहां हुजूर की मोहब्बत आ ही नहीं सकती तो गार में उस वक्त तक हुजूर ने कदम ही नहीं रखा जब तक सिद्धिक अकबर दाखिल नहीं हो गए तो इस मोहब्बत को हमसे तलब किया गया बुखारी शरीफ की अधिस पाक नबी पाक सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया हब्बू अबी बकरिन व शिक्र हु उम्मती फरमाया मेरी सारी की सारी उम्मत पर अबू बकर से मोहब्बत और उसका शुक्र गुजार बनना वाजिब है अबू बकर का शुक्र अदा करना भी वाजिब है उनसे मोहब्बत करना भी वाजिब है ये सिले हैं वफादारी के ये सिले हैं वफादारी के यार है रुखसार हैं और चश्मे यारेगार है किसी ने इस मंजर को दो लाइनों में खींचा बड़ा हसीन खेंचा। कहने लगा यार हैं हैं और चश्मे यारे गार है क्या जब मंजर सजा होगा नबी की दीद का कैसा हसीन मंजर था उधर सुल्तान बाहू को वजद आया तो उन्होंने भी कुछ कहा उन्होंने कहा ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद देख न रज्जा कायनात में हुजूर जैसा कोई मुर्शिद नहीं और सिद्दीक अकबर जैसा कोई मुरीद नहीं है हुजूर जैसा पीर नहीं और सिद्दीक जैसा कोई मुरीद नहीं सुल्तान बाहू को ये मंजर देख के वजद आया उन्होंने कहा ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद देख न रज्जा ते लू लू दे मुड लाख लाख चश्मा एक खोला ते एक कज्जा

एक पलड़े में रख दिया जाए दूसरे पलड़े में सिद्दी के ईमान रख दिया जाए, तो फरमा, के का भारी होगा ये सिला है का। के हो ताला का दीदार लख करोड़ा हजां किस तरह है सईद आयशा सिद्दी का रजियाल्ला फरमाती है। चांदनी रात है हजूर का जलवा है देखे मंजर अजब मंजर है दीद का या तो बाप को नसीब हो रहा है या बेटी को नसीब हो रहा है एक सहाबी फरमाते हैं बुखारी शरीफ की हदीसी पाक है फजायल सहाबा में जो इमाम बुखारी ने मना की बेहबा का बाप बांधा है उसमें हदी पाक लिखी है सैदना सिद्दी के अकबर के फजायल में फरमाते साहबी को ना तो सलासल ये एक गजबा है इस पे भेजान भी पाक सल असलम ने वो हजूर की बारगा में आए अर्ज करने लगे यारसूल अल्लाह लोगों में सबसे बेहतर कौन है आपको ज्यादा महबूब कौन है अहब उन्नास या रसूल अल्लाह लोगों में सबसे ज्यादा प्यारा सबसे ज्यादा महबूब आपको कौन है हुजूर ने फरमाया कि मुझे आयशा आयशा सबसे सारे लोगों में सबसे ज्यादा महबूब है तो सवाल करने वाले ने अर्ज किया रसूल अल्लाह मैं मर्दों में से पूछ रहा हूं तो हुजूर सलाम ने फरमाया आयशा का अब्बा और ये दोनों को सहादत मिली गार में सिद्दीक अकबर की गोद में हुजूर का चेहरा है दीदार कर रहे हैं इधर सयद आयशा फरमाती है चांदनी रात है हुजूर का मुख है मैं देख रही हूं दीदार वे मुर्शदाराहू मैनू लख करोड़ा हजा फरमाती है हजूर का चेहरा है देख रही हूं बातें कर रहे हैं मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह ये जो चांदनी रात है ये जो सितारे बिखरे पड़े हैं इतने सितारों के बराबर भी किसी की नैकियां होंगी फरमाती हैं हैजूर अल्लाम ने फरमाया हाँ उमर की नैकियां हैं फरमाती है मैं थोड़ा रंजीदा होने लगी तो नबी पाक वसल्लम ने फरमाया अबू बकर की पूछना चाहती हो फरमाया उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ के अकबर की एक गार वाली नेकी एक तरफ कितनी बड़ी नेकी है उधर क्या किया था मुर्शदा दीदार व बाहू मैनू लाख करोड़ा हजां यह काम किया था सिद्दीकी अकबर ने कुर्बानी दी थी वफादारी की थी हजूर फरमाते उम्र की सारी जिंदगी की नैकियां कितनी ने किया है उम्र की जिबरीली अमीन हाजिर हुए अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम आज जरा मुझे ये शहादत नहीं देते आपकी बारगाह में खड़ा हो कि आपके किसी गुलाम की शान बयान करूं हुजूर ने फरमाया इजाजत है करो किसान बयान करना चाहते हो अर्ज करते हैं उमर बिन खत्ताब की शान बयान करना चाहता हूं। लिए वक्त चाहिए ने फरमाया मांगो कितना वक्त चाहते हो अर्ज करने लगे मा फी ही। हजरत सलाम जितना अरसा अपनी उम्मत में ठहरे रहे तबलीग करते रहे इतना

तो ये वफादारियां हैं हजूर अली वसलाम से गार के अंदर बैठे हैं हुजूर हजूर वसलाम का चेहरा है सिद्दी के अकबर सिद्धिक्ला की गोद है दीदार कर रहे हैं सांप डसता है हमने सुना पिछले जुमे सांप ने डसा ये सांप किस तरह आया कितना इंतजार करता रहा तकरीबन साढ़े नौ सौ या बारह सौ साल बनते हैं हज़रत सलाम से रास्ता पूछ के आया मक्के का रास्ता किधर जाता है आपने बताया गार में आके इंतज़ार कर रहा है बड़ी तैयारियाँ की हुई हैं दीदार करना है सत्तर सुराख करके बैठा है गार के अंदर सिद्दी के अकबर सारे सुराख बंद कर देते हैं एक सुराख है वो उधर आता है आके ना सर रगड़ता है अपना सर रगड़ता है सिद्दीकी अकबर की एड़ी पे दरवाज़ा खोलिए रस्ता दीजिए हजूर का दीदार करना है हुजूर का दीदार करना चाहते हैं सिद्दी के अकबर वफादार नबी बैठे हैं सांप को भी पता था अगर मैं दीदार के लिए मचल रहा हूं तो उस नबी के साथ भी एक वफादार होगा के अकबर रदी अल्लाह तुम एड़ी नहीं हटाते सर रगड़ता एड़ी नहीं हटाते फिर डसता है के अकबर फिर भी नहीं हटाते ये वफादारियां थी जिनका सिला मैंने बताया इनको जलाल ने दिया एड़ी नहीं हटाई हत्या के को हरकत भी नहीं दी कि हुजूर के आराम में खलल ना आ जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अकदस पे आंसू गिरे पूछा सिद्दीक क्या हुआ अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सांप ने डसा है अब हुजूर अलैहि आल सलाम लुआब दहन लगाते हैं ये वफादारी का सीला दे रहे हैं फरमाया क़यामत तक हुजूर ने जो लुआब लगाया सिद्दीक अकबर की औलाद में से जितने आएंगे उनको सांप डसेगा नहीं और अगर डस जाएगा किसी को तो उसको जहर का असर बिल्कुल भी नहीं होगा लुहाबे दहन का ये मुजजा चला आ रहा है आज तक सिद्धि ये तजर्बा की हुई बात है हमारे बुजुर्गों ने तफा की किताबों में लिखा है सरहल्ला की तफसर में लिखा है उनको जहर असर ही नहीं करता और उनके अंगूठे पे तिल बना हुआ है यहारे गार की निशानी चली आ रही है हजूर सलात ने जो सिला दिया उनको वफादारी का अब देखें हुजूर अलैहि हजूर सलाम ने लुआब लगाया सांप आया उसने दीदार किया हुजूर अलैहि कियाजूर सलाम तो ने पूछा सांप लोग तो बात करेंगे ना कहेंगे हुजूर की गो का इनकी गोद में सर हो और सांप डस जाए ये कैसे हो सकता है सांप अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मैं कैसे डसता मैं आपके गुलाम को डसना नहीं चाहता था मैं तो कई सालों से इंतज़ार कर रहा था मैं तो दीद के लिए तड़प रहा था या रसूल अल्लाह मैंने पहले सर रगड़ा था वो से लिए थे सिद्दीक के अकबर रदी अल्लाह एड़ी के हुजूर ने फरमाया जा सांप फिर बता देना कयामत तक अगर हुजूर का दीदार करना हो हुजूर तक पहुंचना हो तो सिद्दीक के पांव चूमने पड़ते हैं सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताओ चूमने पड़ते हैं जिस तरह हजूर पहले गार में नहीं आए पहले सिद्दीके अकबर आए फिर हजूर आए तो इस तरह दिल के अंदर भी हुजूर की मोहब्बत तभी आएगी जब सिद्दीक अकबर की मोहब्बत आएगी और सिद्दीक अकबर ने गार साफ की फरमाया तुम्हारे दिल में सिद्दीक अकबर की मोहब्बत आएगी तो तस्फिया होगा दिल में जो कदूरतें नफरतें बुग्ज हसद कीने हैं सब साफ होंगे जब जलवाए महबूब के लिए जगह तैयार होगी फिर हुजूर का दीदार भी होगा दिल में हुजूर की तस्वीर आएगी दिल में है तस्वीर यार जब कभी गर्दन झुकाई देख ली अब वफादारियां देखें ये वफादारियां हैं हजूर अली सलाम से रब ने के धाने पे एक कबूतरी को शर्फ बख्शा उसने आके हुजूर की खिदमत की, आके उसने घोंसला बनाया रब ने एक उधर किर का दरख्त उगा दिया उधर ही कबूतरी ने घोंसला बनाया अंडे दे दिए मकड़ी ने जाला तना और बकरियों ने किस तरह खिदमत की वफादारी की बकरिया कई बकरियाँ थी हज़रत सिद्दीक अकबर अदी अल्लाह तु की आमिर बिन फ़ुरा हज़रत सिद्दीक अकबरदी अल्लाह तु का ग़ुलाम था ये बकरियाँ चराया करते थे फरमाते हैं, खुद ब खुद बकरियाँ सारा दिन वो जो रास्तों पे सिद्दीक अकबर रली अल्लाह तु का बेटा आया करता था शाम को हज़ू सलाम और सिद्दीक तो अकबर को दूध पिलाने के लिए और सारा दिन जितनी ख़बरें होती थी इकट्ठी करके हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करने आते थे कुफार ये बातें कर रहे हैं ये साजिशें तैयार कर रहे हैं फरमाया ये बकरियाँ यूँ ख़िदमत सर देती थी चल फिर के सारे निशान मिटा देती थी बकरियों ने यूँ खिदमत गुजारी की और कबूतरी ने अंडे दे के मकड़ी को रब ने शर्फ बख्शा मकड़ी ने वहां जाला तन दिया देखें जब दीन के लिए कोई खड़ा हो जाता है ना फिर लाख साजिशें करने वाले हों करोड़ जाल बनाने वाले हों हजार मकर फरेब की तदबीरें करने वाले हों उनकी ये सारे फरेब उनकी सारी चाले मकड़ी के जाले का मुकाबला भी नहीं कर सकती देखो कुफार ने कितनी साजिशें की कितनी चालें बनाई उनसे तो मजबूत बकरी का जाला है कि वो आते हैं अब उधर सिद्धिक्लाते आ गए कुफार ढूंढते तलाश करते घर पे आ गए घर के धाने पे पहुंचे ना जब उनके कदमों की आहट हमें सुनाई देती थी सिद्दीकी अकबर रजी अल्लाह तरमाते मुझे हुजूर का रंज होने लगा अरबी के अंदर ना दूसरे के दुख को हुसन से ताबिर किया जाता है अपनी तकलीफ और अपने गम को खौफ के लफ्जे ला तफ के लफज से जो है वो ताबीर किया जाता है मजीद में अल्लाह पाक ने जो फरमाया के अकबर ने अर्ज किया रसूल इतने करीब आ चुके हैं कुफार कि अगर ये नीचे अपने पाओं की तरफ भी देख लें तो हम इनको नजर आ जाएंगे हुजूर ने वहाँ अल्लाह पाक ने सकीना नाजिल किया कुरान की आयत नाजिल हुई तो हजूर सलाम ने सिद्दीक अकबर को पढ़ के सुनाई फरमाया अल्लाह फरमाता है ला अना सिद्दीक गम खा बेशक अल्लाह हमारे साथ है अल्लाह ने सकीना नाजिल किया ये कलेमात देखें सिद्दीक ला तहजन गम न खा ला तहजन का लफज बताता है कि सिद्दीक अकबर को अपना गम नहीं था हजूर का गम था हुजूर का सारा गम था कि कहीं मेरे महबूब को तकलीफ ना पहुंच जाए तो सिद्दी के अकबर रदी अल्लाह तलाों ने वफादारी की कबूतरियों ने वफादारी की मकड़ी ने वफादारी की बकरियों ने वफादारी की किकर के दरख्त ने वफादारी की गार ने वफादारी की हजूर ने सबको को शाने दी जो कबूतर है वो फरमाते हैं तफसीर नहीम में लिखा है हरमे मक्का और हरम मदीना में जितने कबूतर हैं वो उन दो जंगली कबूतरियां जिन्होंने गार के धाने पर अंडे दिए थे फरमाया सारे के सारे ये उनकी औलाद है और मकड़ी को क्या शान मिली मुकाशफतुल कुलूब में इमाम गजाली रमत बहुत बड़े एक मुहदस का कौल जिक्र करते हैं वो फरमाते हैं कि रेशम का कीड़ा भी रेशम बनाता है और बड़ा खूबसूरत रेशम बनाता है बड़ा आला और उमदा और नफीस रेशम बनाता है लेकिन उम्मत का इस बात पे इजमा है कि रेशम से अफजल वो मकड़ी है जिसने हुजूर के लिए वो जाला बना के इंतजाम किया था ये मकड़ी को शान दी मकड़ी कयामत तक रेशम के कीड़े से अफजल रहेगी और कबूतरियों को वफादारी का सिला मिला बकरियों को वफादारी का सिला मिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका दूध नोश किया हजरत सिद्दीक कि अकबर रदी अल्लाह तु यह वफ़ादारियाँ की और उम्मत को वफादारी का सबक दिया कि हजूर अलातम से वफादारी की जाए